हेलो एवरीवन, प्रिंस डेंटल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सीलिंग माउंट लाइट की इंस्टॉलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। सीलिंग माउंट लाइट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस प्लेट को इंस्टॉल करते हैं फास्टनर की सहायता से। इसमें 10 mm के 8 फास्टनर लगे होते हैं। हमने अभी इसे स्टैंड बना करके इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि आपको डेमो देना है। सीलिंग में हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है। अभी हमने इस प्लेट को इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद दूसरा स्टेप, हम इसमें रॉड लगाते हैं। इस तरह से इसमें रॉड लगाते हैं। इस तरह से हमने इसे पूरा टाइट कर लिया है। अब हम एलन की सहायता से ये वाले बोल्ट टाइट कर देंगे। फुल टाइट करने के का मकसद ये होगा कि ये कभी अगर इन फ्यूचर लूज होता है तो लूज नहीं होगा। उसके बाद ये जो होल है ये वायरिंग के लिए है। इसके ऊपर से भी होल दिया हुआ है। अगर आपकी फिटिंग अंडरग्राउंड है तो ऊपर वाले होल से वायर अंदर आ जाएगी, और ओपन फिटिंग है तो आप यहां से वायरिंग अंदर ले सकते हैं, या फिर आपने यहीं पर ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया हुआ है तो आप यहीं से वायरिंग को अंदर ले सकते हैं। अभी हम इसके आगे दिखाते हैं। ये कवर है सीलिंग को ढकने के लिए, इसको रोकने के लिए ये रिंग है जो ये डाला जा रहा है। ये कवर और रिंग ऐसे जा कर के इस प्लेट को ढक लेता है और फिनिशिंग में बनाता है। यहाँ पर जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंसुलेशन टेप यानी कि बिजली वाली टेप होती है, उसको लगा करके इसको होल्ड कर देते हैं, और उसके बाद में हम अपने ऊपर की वायरिंग फिनिश करते हैं। अगर हम होल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर इन पेंचों को टाइट कर देंगे तो यहाँ स्क्रैच आ जाएगी। अभी जैसे हमारा काम फिनिश हो गया, हम वायर डाल लेंगे और उसके बाद में इसको यहाँ होल्ड करके इन पेचों को टाइट की मदद से टाइट कर देंगे। टाइट करो इन्हें। ये हमने इसको यहाँ पर होल्ड कर दिया है। अब प्लेट हमें दिखाई नहीं दे रही है और हमें एक गोल कटोरे जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल स्टेज पे आ गए हैं। अब हम इसकी आर्म लगाने जा रहे हैं, और आर्म को पकड़ो, आर्म को इस की सहायता से लगाते हैं। ये की यहाँ पर लगी होती है। ये होल है, इस की में भी होल है। इसको ऐसे पुश करेंगे। यहाँ होल्ड करके और इस एलन की मदद से इस बोल्ट को पूरा टाइट कर देंगे। ये टाइट हो चुका है। अब हम थर्ड लेवल स्टेज पे आते हैं। यहाँ पर हम हिंच लगाएंगे। ये सीलिंग में इंस्टॉल होती है, और सीलिंग जिस लाइट के लिए बनी है, जिस सीलिंग के लिए लाइट बनी है, ये 11 फुट की हाइट की है, तो इसलिए इसका ये पोल काफ़ी लंबा है और हमारे यहाँ स्टैंड पे काफ़ी नीचे आ चुका है। और हमने ये स्टैंड पर लगा दिया है अपना हिंच। अब इस हिंच पे लाइट लगाने जा रहे हैं। इस तरह इस एलन की सहायता से हमने इस लाइट को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने इस लाइट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, और अब हम इसको मूव करके दिखाएंगे। देखिए, ये डाउन पोजीशन, अप, लेफ्ट, राइट,
अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार जी।